नमस्कार। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें कि धमधा पुलिस ने पकड़ी 35 लाख की अवैध शराब। मध्य प्रदेश से ट्रक और पिकअप में भरकर लाई जा रही थी 500 पेटी मदिरा। बता दें कि दुर्ग पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 35 लाख रुपए से अधिक कीमत की अवैध शराब को जब्त किया है। यह शराब मध्य प्रदेश से ट्रक और पिकअप दो अलग अलग गाड़ियों में भरकर लाई जा रही थी। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में ट्रक का पीछा किया और सामने गाड़ी लगाकर उसे रुकवाया। तलाशी लेने पर 500 पेटी से अधिक गोवा ब्रांड की शराब जब्त की गई है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि धंधा पुलिस ने शराब से भरे ट्रक और पिकअप को जब्त किया है। पुलिस ने कुछ शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। यह लोग दोनों गाड़ियों में मध्य प्रदेश की बनी गोवा ब्रांड की 500 से ज्यादा पेटी शराब लोड करके ले जा रहे थे। धंधा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पुलिस की टीम ने तस्करों को चारों तरफ से घेरा है। इस पर वे लोग भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया और फिल्मी स्टाइल में शराब की दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। इस गाड़ियों में जितनी शराब जब्त की गई है उसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। एक ही थाने के अंदर पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई है। दोनों गाड़ियों को भी थाने लाया गया है। इसके बाद इसमें लोड शराब को नीचे उतार कर उसकी गिनती की गई। यह गिनती पूरी रात चलती रही। एसपी दुर्ग अभिषेक पल्लव आज इस मामले का खुलासा करेंगे।